गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गुना के कुछ पार्ट को। कुछ पार्ट हमारा बच गया था गुना का, वही पार्ट आज देखेंगे हम लोग। पिछले क्लास में जो बताया गया है उसका कुछ रिवीजन हम लोग बोर्ड पर कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि 11 में किसी भी दो अंक की संख्या से किस प्रकार से शॉर्ट में गुना कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। चलिए बोर्ड की तरफ अब ध्यान दीजिए और सीखिए इसको। जैसे कि हम लिखते हैं 11, और 11 में अगर हम 32 से गुना करते हैं, 11 में 32 से गुना करना है, ये दोनों को खाली हटा के लिख देंगे। एक एक साइड में हम 3 लिखें, थोड़ा सा हटा करके 2 को लिखेंगे, और फिर ये दोनों को जोड़ करके बीच में लिख देंगे। इस तरह से लिख दिए तो इस तरह से एक बन गया क्वेश्चन। अब देखिए आगे एक और होगा कि 11 में इस तरह से हम अगर दे देते हैं 4 और 2, फिर इसको लिखते हैं, तो देखिए ये दोनों है ना, 11 से गुना करना है, तो 11 को कुछ नहीं करेंगे हम लोग 11 की तरफ कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या काम करेंगे इसमें कि बस ये दोनों को खाली अलग अलग करके लिख देना है, और ये दोनों को जोड़ करके एक साथ लिख देंगे। तो 4 और 2 6 हुआ, तो 6 हो गया। इसी प्रकार से फिर हम लोग 11 में हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि 5 है और फिर 2 लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बोर्ड की तरफ देखिए, अपने आप आपको आ जाएगा। यहाँ पे इसमें भी सेम है, 5 लिखिए और उसके साथ साथ इधर 2 लिखिए और दोनों के जोड़ करके 7 लिखिए, बन गया क्वेश्चन। अगर इसमें संख्या इधर दे दे 3 और 3 गुने 11, तब कैसे बनेगा भाई? तो इसको भी बनाने का वही तरीका है, बस इस दोनों को खाली देखेंगे, 11 को छोड़ देना है, ये दोनों को 3 और 3 को लिखें, और ये दोनों जो है इस दोनों को जोड़ करके इसमें 3 को 3 से जोड़ दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 जोड़ने पर। इसी तरह से 4 है और 1 दिया हुआ है, गुना के चिन्ह, फिर 11 करेंगे तो फिर इसमें भी हम लोग कर देंगे कि 4 को लिखना है और 1 को, जस्ट इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, जस्ट इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5। हम तो बहुत बना लिए क्वेश्चन, अब आपका बारी है बनाने का। 2 क्वेश्चन देते हैं बोर्ड पर, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है, 11 गुने है यहाँ पे 4 और 6 है, इसको बनाई, सॉरी 6 नहीं देंगे, अभी 6 वाला ट्रिक आप लोग नहीं सीखे है, 4 4 दिया हुआ है। फिर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देते हैं, 11 गुने 3 और यहाँ पे दे दिए हैं 5, ये क्वेश्चन बनाइए। फिर 11 गुने 3 2, ये क्वेश्चन बनाइए। 11 गुने 4 3, ये क्वेश्चन बनाइए। 14, इसको बनाइए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अभी बना करके दिखाना है, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, अगर सीख जाइएगा जरूर है कि आपको अच्छा से आ जाएगा ये, ठीक है। तब तक के लिए हम रुके हुए हैं, इसी तरह से बना करके दिखाइए। उम्मीद है हमें कि आपका बन गया होगा अभी तक क्वेश्चन। चलिए मिलाते हैं बोर्ड पर, आप लोग जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं, इसको बोर्ड पर से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, और हम बताए थे आपको कि ये जब 11 से कोई भी 2 अंक के संख्या में गुना करेंगे तो हम लोग इस दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे कि 4 लिखे और 4, और इन दोनों को फिर जोड़ करके अब बीच में लिख देना। फिर इसमें भी देखिए कि यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, फिर इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 होता है 8, तो 8 हो गया। इस प्रकार से हमको बनाना है, मिलाइए सही हुआ है कि नहीं आपका। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 और 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हुआ, फिर से ये दोनों है तो 4, सॉरी यहाँ पे पहले 1 आएगा और इधर 4, दोनों को हटा के लिखना है, हटा दिए और दोनों को जोड़ करके लिखिए, तो यहाँ पर 4 में 1 को जोड़िएगा तो 5 होता है, यानी 5 बीच में हो जाएगा। अगर सही हुआ है तो आप सही का टिक लगाइए उसमें, और फिर आगे जो क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन को भी आप बनाइए। देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन दिया जा रहा है, 4 है और यहाँ पे दे रहे हैं आपको 2, और गुने यहाँ पर है 11, बना करके दिखाना है, फिर है 8 और यहाँ पर 1 है, फिर 11 और इसके बाद 2 2 गुने 11। जाइएगा नहीं कहीं पर, जो दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को सही से और सही ढंग से बनाने का कोशिश कीजिए, आप बनाइएगा, फायदा आपको होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। इसी तरह से 3 और फिर 5 दिया हुआ है, इसको भी आप बना दीजिएगा अभी 11 करके। फिर आगे इसमें हम आपको दे रहे हैं, 5 हो गया और यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 नहीं देंगे, 2 वाला क्वेश्चन मिल चुका है पहले भी, यहाँ पे आपको 4 देते हैं गुने 11, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइए, तब तक के लिए हम रुकते हैं, आप इसको बनाइए फिर देखेंगे, पॉज कीजिए वीडियो और बनाना शुरू कीजिए, ठीक है।
तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, इसको भी मिलाते हैं हम लोग बोर्ड के तरफ से। देखिए, ये दोनों में चार है, चार और दो लिखा गया है, इधर ग्यारह है। जब भी ग्यारह से गुना करना हो, इसी प्रकार का ट्रिक का हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे चार हुआ और इस तरह से दो, और दोनों को फिर जोड़ करके लिख देंगे तो आता है हमारे पास छः। इस दोनों में भी दोनों को हटाइए और फिर दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए। इसमें भी दोनों को हटाइए और फिर दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए। फिर इसमें भी दोनों को हटाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है तीन और पाँच, और फिर इस दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए आठ। इसमें भी दोनों को हटाइए, तो यहाँ पे हो गया पहले तो पाँच और चार हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो नौ हो गया। अब कुछ लोग के पास में कन्फ्यूजन आता होगा, ये सभी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। अगर ऐसा ही सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं जो पीछे बन चुका है, तो वो सभी चीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर प्रिंस कुमार सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी लिंक आपको चैनल का मिल जाएगा। ठीक है, अभी नया चैनल है इसलिए सर्च लिस्ट में इसको आने में देर लगता है, इसीलिए आप सर्च लिस्ट में इसको सर्च कर सकते हैं, PRINCE प्रिंस STUDY स्टडी 2.0। प्रिंस लिखने के बाद स्पेस स्टडी स्पेस 2.0 लिखिएगा तो आपके सामने में हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। एक दो वीडियो क्लिप भी आएगा उसमें, उससे भी आप चैनल तक पहुंच सकते हैं। और अगर फेसबुक पे हमें फॉलो करते हैं तो PRINCE प्रिंस, वहां पर भी सर्च आपको करना पड़ेगा प्रिंस, और उसके बाद कुमार KUMAR कुमार, प्रिंस सर का फोटो के साथ आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। जहां पे वो वीडियो चलेगा फेसबुक पे, उसके जस्ट ऊपर में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप यूट्यूब में लॉग इन हो सकते हैं। चलिए देखिए, इस तरह से हम लोग इसमें देख लिए, तो ये तो थी आपके फायदे की बात। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के पास में। ठीक है ना, तो देखिए ये जो बोर्ड कचरा हो गया है इसे मिटाना पड़ जाएगा, और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा देर रुकेंगे, मिटाएंगे फिर आगे चलाएंगे आपका वीडियो। ठीक है, पॉज कीजिए कैमरामैन। तो चलिए अब आगे की क्लास शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि 11 में अंक से गुना करना तो आप लोग सीख गए, अब कुछ क्वेश्चन जो है इससे ऊपर भी पूछा जाता है। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे पांच लिख दिया और नौ लिख देगा, उसके बाद कहेगा गुना करो 11 में, धक 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 करते रह जाइएगा। कहिएगा सर इन दोनों को अलग करने कहे थे, तो हाँ अलग करने हम कहे थे बुआ कर दो। उसके बाद कहे थे दोनों के जोड़ देंगे, तो जोड़िए तो दोनों के कितना होता है, तो जोड़िएगा ना जब इसको, तो नौ और पांच जब दोनों जोड़ दीजिएगा तो 14 होता है, और 14 जब बीच में लिखिएगा तो ये गलती हो गया। ये क्या हुआ गलती, करना क्या होगा इसमें, तो इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इस नौ को यहीं पर लिखिए, ये पांच जो है ना बेचारा इस पांच को भी यही लिखिए, लेकिन जो 14 आया उसका चार लिखना है, और जो हासिल एक आया ना उस एक को इसमें जोड़ देंगे, हो गया आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से इसको समझते हैं और अच्छा से इसको समझ करके बनाएंगे। देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, एक और सवाल लेते हैं, 6 और 6 मल्टीप्लाई 11 की। अब इस दोनों के लिए दोनों हटा करके पहले लिख दीजिए, उसके बाद इस दोनों को जोड़िएगा तो 12 होगा, जब जोड़िएगा दोनों को तो 12 होता है, कितना होता है 12, याद रखना है। और जब 12 हो गया ना तो हम लोग क्या काम करेंगे कि 12 का यहाँ पर 2 लिखेंगे और जो 1 आया ये 6 में जोड़ देंगे, तो 6 को मिटा करके लिख देंगे 7, आ गया हमारा आंसर। गुना करने की इधर जरूरत नहीं है, यहीं से हम गर्दा उड़ा देंगे उसको। तो यहाँ पर देखो 5, अब कितनों दे देना कोई, तुम लोग एकदम टैलेंटेड हो चुका है, एकदम गर्दा उड़ा देगा इसको, जानते हैं हम। यहाँ पर ध्यान दो, इसमें भी 5 लिखिए 6 लिखो, और फिर इस तरह से काम करना है आपको कि इसमें जोड़ेंगे तो 11, 11 के 1 लिखना है, सर जी बोले थे इसको मिटा देने के लिए, और उसके बाद 5 लिखा हुआ था तो 6 कर दीजिए, बस बात खत्म है। इसमें भी आगे कीजिए 7, यहाँ पे लिख देते हैं 8, अब इसका भी गुना करके देख लीजिए आप, तो इस दोनों में जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, तो पहले करने से पहले तो जो ट्रिक है सो 7 और 8 को लिखिए और दोनों को जोड़िएगा, तो यहाँ पर 7 × 2 = 14, 1 = 15 होता है, 15 का 5 लिखना पड़ेगा, और 1 जो हासिल आया बेचारा उस बेचारा को हम लोग इस 7 में जोड़ करके लिखेंगे तो 8 हो गया, आंसर ये आया। तो चलिए इस तरह से आप इस चीज को देख लिए कि आगे का जो संख्या है जिसमें हासिल आता है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, और इसको हम लोग समझ भी लिए अच्छा से। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बनाइएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वीडियो को रोकना है और बनाना है इसको। आगे देखिए बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो क्वेश्चन है आपका
छः है गुने ग्यारह लिखा हुआ है, फिर है आठ दो है गुने ग्यारह लिखा हुआ है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, नौ 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 है गुने ग्यारह लिखा हुआ है, आठ सात है गुने ग्यारह लिखा हुआ है, यहाँ पे चार और यहाँ पे आठ है गुने ग्यारह लिखा हुआ है, ये सब बना सकते हैं, ये सब बनेगा। तो ये सब चीज को आप बनाना शुरू कीजिए, तब तक के लिए हम कुछ ब्रेक लेंगे और आप लोग को बना लेना है उतना देर में, ठीक ना। चलिए शुरू कीजिए बनाना, कैमरामैन फिर से रोकिए इसको। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो देखिए बोर्ड की तरफ और मिलाइए इसको, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया फिर 46, तो इसको हम लोग लिख देंगे चार को अलग छः को अलग और दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, तो 10 के सुनना हासिल एक आया, चार को मिटाएंगे इसमें एक जोड़ करके लिख देंगे, कंप्लीट हुआ ये कहानी। फिर आगे की ओर चलेंगे इस तरह से, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 10 सुनना हासिल एक आएगा, फिर इसको मिटा करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर जब हम यहाँ पर भी उसी प्रकार से बनाएंगे, नौ और नौ लिखे दोनों को जोड़ेंगे 18 के 8 हासिल एक, मिटा करके यहाँ पर इस तरह दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग वही काम करेंगे, इसमें भी 8 7 दोनों को जोड़िएगा, 8 7 15 होता है, 15 जब आ जाएगा आपके पास में आप कुछ नहीं कीजिए, 15 लिखने से पहले बस 5 लिखिए और एक जो आया सो इसमें जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 4 और 8 लिखे हटा करके दोनों को, और जब जोड़ करके लिखना होगा तो 8 4 12 होता है, 12 के 2 हासिल एक आया, उस एक को आप इधर लिख सकते हैं, बड़ा प्यार से आप लोग एक को कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तो 4 और एक था से तो 5 हो गया। इस प्रकार से ये पूरा जो है आपका सीरीज कंप्लीट होता है, ठीक है। आज हम लोग 1 से 100 तक का गुना करने का जो कहे थे हम आपको, जो करना सिखा देंगे एकदम चुटकियों में, वो हमने आपको सिखा दिया है। आप इसका प्रैक्टिस घर पे अच्छा से कीजिए और सही तरीका से इस पर केयर कीजिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं कि आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलता रहे कब क्लास चालू हो रहा है किस तरह से, तो ये इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि आप तक सही कंटेंट सही व्यू में पहुंचाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए इतना ही, आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे, आज के क्लास के लिए धन्यवाद।